अच्छे स्वस्थ हो, बढ़िया हो ना। यस वेरी गुड, ऐसे ही रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए बच्चों। तो चलो आज आपको हिंदी पढ़ना है। कौन सा, क्या पढ़ना है? हिंदी सब्जेक्ट। और हिंदी में आज आपको मैम श अक्षर दिखाएंगे। श अक्षर, आपकी श अक्षर की पंक्ति चल रही है, आप लोग व्यंजन पढ़ रहे, पता है ना, पहचान गए व्यंजन और स्वर। अ से अ तक स्वर होते हैं और क से ज्ञानी तक व्यंजन होते वर्णमाला। तो आज आपको उसी में से आज श अक्षर और व्यंजन की आखिरी लाइन चल रही है, आखिरी पंक्ति चल रही है। तो रेडी हो सभी? यस, बहुत अच्छे बच्चे हो आप, बहुत अच्छे बच्चे हो, ऐसे ही रहो। तो क्या करते हैं अपन स्टडी स्टार्ट करने के पहले? प्रेयर करते हैं, उनका उच्चारण करते हैं। तो सभी स्टैंड अप हो जाइए, जॉइंट योर हैंड, क्लोज योर आईज, नाउ उच्चारण स्टार्ट। अच्छे से प्रॉपर बैठना है, स्ट्रेट बैठना है, ऐसे झुक के नहीं बैठना है। ओके, राइटिंग वर्क करना है फिर भी ऐसे इतने डिस्टेंस है, ज़्यादा ऐसा झुक के भी आपको नहीं लिखना है। तो सिट डाउन एंड टेक नोटबुक, आपकी नोटबुक, पेंसिल, शॉर्पनर, इरेजर लेके बैठ जाइए, रेडी हो जाइए स्टडी के लिए। ओके, तो आपको क्या कहा मैम ने, आज आपको श अक्षर पढ़ना है। उसके पहले मैं एक कुछ बोलना चाहती हूँ आपको। तो आज सुबह जल्दी उठे थे आप? जल्दी उठे? यस वेरी गुड। और फिर उठ के ब्रश करके, फ्रेश होके, नहा धो के अच्छे से ग्लास भर दूध भी पीना है, ग्लास भर दूध पीना है। और उसके बाद फिर क्या करना है, सभी बड़ों के पैर में छूना है ना, भगवान को प्रणाम करना है। तो करा सबने आज? वेरी गुड, यस। पता है मुझे आप बहुत अच्छे बच्चे हो, सबने मैम की बात, मम्मी की बात मानना है। और तो आज आपको हरी सब्जियां भी खाना है, फल फ्रूट भी खाना है, डेली खाना है, केवल आज नहीं, रोज सबको जो भी बनता है खाना, उसमें जो भी मम्मी आपको खाना बनाती है आपके लिए, वो पूरा फिनिश भी करना है। खाना है मतलब इतना सही खा लिया और छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं करना है। पूरी प्लेट आपकी क्लीन, जितना भी मम्मी देती है वो पूरा आपको क्लीन करना है, मतलब पूरा फिनिश करना है। तो चलो आज मैम आपको श अक्षर पढ़ाएंगे। तो सभी अच्छे से सिट डाउन हो जाइए, अपनी नोटबुक लेके तैयार रहिए। पहले तो आपकी आईज और कान खुले होने चाहिए, क्योंकि जब ध्यान से देखोगे, ध्यान से सुनोगे तो ही बात समझ पाओगे। तो आज आपको मैम करवा रहे हैं श अक्षर। कौन सा अक्षर? श। श श व्यंजन की पंक्ति में है, ये श लास्ट पंक्ति है, श से षटकोण। फिर उसके बाद आता है स, श स श स श स श से षटकोण, श से षटकोण, श से षटकोण, श से षटकोण, स से क्या हो रहा है? स से सपेरा, स से सपेरा, स से सपेरा, स से सपेरा। ओके, फिर सपेरा और सेब भी होता है, यस, स से सेब खाते हो ना, इंग्लिश में क्या बोलते हो आप, फ्रूट बोलते हो, जैसे एप्पल फ्रूट, हाँ एप्पल बोलते हो ना इंग्लिश में, तो हिंदी में क्या बोलते हैं? सेब।
बोलते हैं से। और सरोता भी होता है ना, मम्मी खाना बनाती किचन में, गए हो कभी किचन में, मम्मी के किचन में देखा है आपने, सरोता होता है जो रोटी बनाती है ना मम्मी, उसके लिए यूज करते हैं वो सरोता। षटकोण, षटकोण, षटकोण के ऊपर है ये आपके घर में भी है ना, कोने कोने कोना देखा है आपने, ऐसे कोना रहता है दो दीवार, मतलब एक इधर से एक ये और एक ये, तो ये बन जाता है ये स्टेटेबल कोना, तो इसी से कोने हैं एक दो तीन, एक दो तीन यार चार, ओके एक दो तीन चार पाँच और छः, ये पूरा देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं षटकोण, क्या कहते हैं षटकोण। और ये से, 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 सपेरा, बीट बजाने वाला सांप लेके आता है ना उसे कहते हैं, जो वो रहता है सांप को पालते हैं वो और वो लेके बीट बजा के आते हैं उनको कहते सांप पकड़ने वाला होता है वो सपेरा। और सांप, सांप और एक होता है साफ, साफ मतलब क्लीन रखो, साफ सुथरा रखो, साफ सुथरा। और मम्मी सरोता, मम्मी यूज करते हैं ना सरोता किचन में वो सरोता। और श, स, ह, ह से हाथ, ह से हाथ, ह से हाथ। और क्या होता है, यस हाथी, हाथी, ह से हाथी, ह से हाथी। श, स, ह, श, क्ष, क्ष, क्ष क्षत्रिय का, क्ष क्षत्रिय का, क्ष क्षत्रिय का, क्ष क्षत्रिय का। फिर कौन सा देखा आपके, श, स, ह, श से षटकोण, स से सपेरा, से ये हो गए स वाले। और फिर और क्या है, ह, ह से हाथी, ह से हाथी, ह से हाथी, ह से हाथी। और क्ष क्षत्रिय का, क्ष क्षत्रिय का। अब क्ष के बाद क्या आता है, क्ष के बाद क्या आता है, यस त्र, क्या आता है त्र, त्र से त्रिशूल, यस त्र से त्रिशूल, 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 त्र से त्रिशूल। और यस लास्ट क्या है, यसे ज्ञानी, यसे ज्ञानी, ज्ञानी होता है ना आप हो ज्ञानी, जो पढ़ लिखते हैं अच्छे कर कर होते पढ़ लिख कर बड़े महान, तो वो क्या हो जाते ज्ञानी, क्या हो जाते ज्ञानी। इसलिए आप सबको क्या करना है, यस बहुत अच्छे से पढ़ना है, आप लोगों को क्या करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, ज से ज्ञानी, श से षटकोण, श से षटकोण, फिर श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ।
क्या कहा मैम ने? सर से षटकोण, सर से षटकोण, सर से सेब, साफ, सपेरा, सरोता, ह से हाथी, हाथ, फिर क्ष, क्ष से क्षत्रिय, क्ष से क्षत्रिय, क्ष से क्षत्रिय, क्ष से क्षत्रिय। हाँ देखो ये तलवार है, लड़ योद्धा होते वो क्षत्रिय, लड़ाई क्षत्रिय। फिर त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिशूल, शिव भगवान के पास, माता जी के पास होता है ना, त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिशूल। और फिर ज्ञ से ज्ञानी, सी ज्ञ से ज्ञानी, ग से ज्ञानी। तो आज आपको कौन सी पंक्ति पढ़ी है अभी आपने ओरल में? अभी श स ह, श स ह, क्ष क्ष, त्र ज्ञ। ओके ये हो गया आपका ओरल। अभी आपने ध्यान से सुना, अब ध्यान से सुना भी देखा है, वैसे ही आपको ध्यान से लिखना भी है और लिखकर बोलना भी है। तो रेडी हो अपनी नोटबुक लेके ना सभी? तो ओपन योर नोटबुक, ओपन योर नोटबुक एंड मम्मा हेल्प यू फॉर दिस ड्राइंग। ड्राइंग के लिए मम्मा आपको हेल्प कर देंगे। और आप क्या करोगे? कलर करोगे उसमें। Write down your three different date. Three different date. Okay, now divide it like this, three parts. And draw the picture here. Draw the picture here. षटकोण क्या बन गया ये? षटकोण डन। मम्मा आपको बना देंगे और फिर आपको क्या करना है उसमें? कलर ही करना है। क्या करना है? कलर। तो आपका मम्मा करेंगे अभी वर्क, फिर आपको क्या करना है? राइटिंग। यस अभी आप राइटिंग करना है आपको। डन। Yeah.
बिना डॉट के विदाउट डॉट सीखना है आपको. देन पुट अप योर पेंसिल पॉइंट ऑन दिस फर्स्ट डॉट. स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, इन बिटवीन स्लैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन. श श स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन. श बहुत ऐसे इतना भी नहीं ले जाना है, डॉट तक ही ले जाना है. जहाँ डॉट दिया है बस दिया आपको, या डॉट है तो बस यहीं तक, ऐसे लंबी खींचना नहीं है. ऐसा इतना बड़ा श भी नहीं बनाना है आपको. श
मम्मा हेल्प कर देंगे आपको, फिर आप लोगों से अक्षर में आपको गोला लगाना है। ये क्या हम बनाएंगे लड्डू। क्या बना दिया अपन ने, इसे दो बॉक्स बना लिए। और उसमें लिख दिया मैंने मछली बना दी। क्या बना दी मछली। क्या बनाया मैंने, जैसे धनुष, जैसे धनुष। यहाँ दो बॉक्स बना दिए, दो बॉक्स में मैंने यहाँ लिख दिया न और यहाँ धूप। अब इस साइड डिवाइड कर दिया पेज। यहाँ बना दिया मैंने फोर नंबर, फोर नंबर। कौन सा नंबर दे दिया, फोर नंबर। और यहाँ बना दिया मैंने दरवाजा। दो से दरवाजा, दो से दवा। और अभी मैम ने यहाँ क्या बना दिया, दो से दरवाजा। लिख दिया और यहाँ लिख दिया वो। अब फाइव नंबर पे आ जाइए। फाइव नंबर पे थर्से थर्मस, थर्से थर्मस, करना है। ओके बच्चों, से बाय बाय।